बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपका दोस्त दोबारा आपके खिदमत में हाजिर है। गर्नाडा में हम पहुँच चुके हैं, होटल में हमने चेक इन कर लिया है। वो पीछे आपको होटल की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं अल्हम्ब्रा के महालात में। टिकट हमने ऑलरेडी बुक कर ली हुई है, ऑनलाइन की थी। अब वहाँ जाएँगे, वॉक करते हुए जाएँगे, और अगर रास्ते में कोई अच्छी चीज़, अच्छी इमारत, कोई तारीखी चीज़ जगह आई तो आपको वो भी दिखाएँगे। चलिए चलते हैं अल्हम्ब्रा। अल्हम्ब्रा जाने के लिए हम बस स्टॉप पे जा रहे हैं, और रस्ते में ये चौक आया है जिसमें ये एक मजस्मे बने हुए हैं और उस पर फुवारे चल रहे हैं। इस साइड पे यहाँ पे 3:30 बस जाती है अल्हम्ब्रा। और बस में हम बैठ गए हैं। तो बस की टिकट है 140 यूरो सिंगल। वो बस के अंदर से आप परचेज कर सकते हैं। बस यहाँ छोटी छोटी सी गलियों से गुजरती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे से गलियाँ किस तरह की। ये साइड पे लोगों के घर लग रहे हैं, हाइट काफ़ी ज़्यादा, पैदल आना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपका होटल करीब है और हमारा पैलेस के तो ज़्यादा बेहतर है, या दूर है तो वॉक ना करें। अगर कर सकते हैं कर लें, नहीं तो टैक्सी ले लें या यही बस जो है जो ऊपर को जाती है। मैं बस के पिछली साइड से बैठा हूँ और कैमरा पिछली तरफ लगाया था मैंने बस पे। जैसे आप देख सकते हैं कितनी हाइट है, काफी हाइट में आ गए हम। अल्हम्ब्रा हम पहुंच गए। ये बस हमें लेकर आई थी, इसे जल्दी पहुंचा दिया हमको। काफ़ी हाइट थी, वॉक करना बहुत मुश्किल हो जाना था। ये है दाखिली दरवाज़ा हम अल्हम्ब्रा पैलेस का। यहाँ पर उन्होंने मॉडल भी लगाया हुआ। यहाँ आएँ तो अपने पासपोर्ट साथ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट या आईडी लाजमी देखते हैं। ये काफ़ी बड़ा कम्प्लेक्स है और हमको इन्फॉर्मेशन पढ़ के जाना पड़ेगा हर जगह पे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे महलात हैं। नहाय थी खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ जाने के लिए। ये लंबे लंबे स्ट्रीट लगे हुए हैं और नहाय थी खूबसूरती से कतार के सूरज में लगाए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अलकासा बाजा जो पैलेस है, वो 15 मिनट की वॉक पे है। हमारी एंट्री का टाइम 2 o'clock है, और उससे पहले जो टाइम है हम घूम फिर के गुजार देंगे यहाँ पर। और यहाँ से शहर का खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, काफ़ी हाइट पे है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई यहाँ पे,
और हम इसकी पिक्चर ले लेंगे और बाद में इसको फॉलो करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के कोशिश करेंगे ये सारे एरिया का विजिट करें। सबसे पहले हम विजिट करेंगे जीना लेलेफे, ये स्पेनिश में लिखा हुआ है, अरबी में इसको जन्नतुल अरीफ भी पढ़ते हैं। जब मुसलमान हुकूमत थी उन्होंने ये हिस्सा अपनी तफरी के लिए बनाया था। अभी चलते हैं आगे जाके देखते हैं, ये उसी तरह का जिस तरह तकरीबन शालीमार बाग है। लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ऊंचाई पे है और मेरे ख्याल इसीलिए ऊंचा बनाया गया है कि सिक्योरिटी का लेवल ज़्यादा हो ताकि चढ़ना मुश्किल हो। जो ऊंचाई पे होता है वो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। इनके महाफ़िज़ भी होते होंगे जो ऊपर चढ़ रहा होता है उनको आसानी से दे सकते होंगे। उस दौर में सीसीटीवी तो होता ही नहीं था कि सीसीटीवी के जरिए देख लें कि हाइट के ऊपर जो लोग खड़े होंगे वही इनको सिक्योर करते होंगे। यहाँ पर नहायत ही खूबसूरत गार्डन है, फ्रूट ट्री वगैरह लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आगे इस रास्ता बंद है, आप इस साइड पे जाएं। ये लाहौर के शालीमार बाग की तरह छोटे छोटे फाउंटेन लगाए हुए हैं। इस पे ज़्यादातर काम अल नसी हुकूमत में हुआ और जब मुसलमानों को शिकस्त हुई असाई गए तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कोई चेंजेस यहाँ की थी। अब आगे जाके देखते हैं कि किस तरह का है। प्लांट को टच नहीं करना और बाकी आप देख सकते हैं सब कुछ। और ये बाग सा बनाया हुआ है भूल भलियों की तरह का। यहाँ से शहर का खूबसूरत मंजर और वो सामने दरख्त पर अनार लगे हुए हैं। जगह जगह पर छोटे छोटे फुहारे लगाए हुए हैं फाउंटेन से। खूबसूरती और अट्रैक्शन के लिए इन्होंने अच्छा सा मॉडल बनाया हुआ। यहाँ स्पेनिश में लिखा हुआ और साथ इंग्लिश में भी कीप आउट, यहाँ नहीं जा सकते आप। और है वो बिल्डिंग जिसका नाम जैनी रालाइफ है जिसे अरबी में जन्नतुल अरीफ भी कहते हैं। मैंने होल्ड किया है और हम रहे हैं तो टूरिस्ट के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन की जगह जन्नतुल अरीफ
अलकस्बा और अलनसीर पैलेस है। लगता है ये अलहमरा की मशहूर जगह है, इसलिए लोगों का हजूम यहाँ ज़्यादा है। अब हम इसमें एंटर हो रहे हैं। इसलिए जा रही हूँ ऊपर। नहाए की खूब सुविधा आया हुआ है। कोई शक नहीं, बादशाह बादशाह होता था, उनके मोहल्लात देख ही लगता है। यहाँ काफ़ी बिजी लग रहा है, कोई मशहूर जगह, पुरानी आयत वगैरह लिखी हुई है। और सिक्योर किया हुआ शीशा लगा के यहाँ पर। आगे जाते हैं। और यहाँ पर भी पुरानी आयत लिखी हुई है। यहाँ पर रिसेप्शन पर नहायत ही खूबसूरत जगह बनाई हुई है। यहाँ भी काफ़ी फाउंटेन लगे हुए हैं। और ये पानी की निकासी के लिए बनाया हुआ है।
काफ़ी कम्प्लेक्स रास्ते हैं, मैं लोगों को फॉलो करते हुए आगे को जा रहा हूँ। जन्नतुल अरीफ का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और दूसरे व्लॉग अल नसर पैलेस के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।